यूपी सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के खिलाफ 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हुए। स्वामी प्रसाद और संघमित्रा समेत 5 लोगों पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी, साजिश रचने का परिवाद दर्ज करवाया था। इस मामले में राहत पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें फटकार मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आपको वापस एमपी एमएलए कोर्ट जाना होगा।